तो गुजरात में छेल्ला 24 कलाक में बे वक्त गांजो झड़पायो छे। सूरत में गांजा की ट्रेन मार्फते हेराफेरी करता आरोपी पास थी गांजो झड़पी पाड़वामां आव्यो। बाद वडोदरा में ट्रेन में गांजो झड़पी पाड़वामां आव्यो छे। तो महत्वनुं छे कि आजे जत्थो मळी आवता ज एसओजी हरकत में आवी गई थी। तेमज वडोदरा रेलवे एसओजीए पूरी ओखा एक्सप्रेसमांथी 5 किलो बिनवारसी गांजानो जत्थो झड़पी पाड्यो छे। रेलवे एसओजीनो स्टाफे पूरी ओखा एक्सप्रेस में पेट्रोलिंग समय आ समग्र गांजा जत्थो मळी आव्यो छे। तेने झड़पी आगनी कार्यवाही शुरू करी छे। पूरी ओखा एक्सप्रेस ट्रेन आवेल जे ट्रेन में सूरत थी वडोदरा सुधी अमारी टीमे सघन चेकिंग हाथ धरेल। जे दरमियान तेओने इटोला अने काशीपुरा नी वच्चे एक बिनवारसी बेग जनरल कोरिडोर वच्चे मळी आवेली। जे बेग खोलीने जोता तेनी अंदर त्रण पेकेटो हता, जेनी जेने चेक करता तेमाथी वनस्पतिजन्य गांजो मळी आवेलो। अमदावाद में एसओजीए बातमी आधार ट्रावेल्स बस में ड्रग्स ने हेराफेरी नेटवर्क नो पर्दाफाश कर्यो छे। गीता मंदिर थी 2 करोड़ एमडी ड्रग्स जत्था साथ यूपी ड्रग्स पेडलर महेश कुमार उर्फे विजय निषाद ने दबूची लीधो छे। मुंबई और जम्मू काश्मीर बाद प्रथम वक्त उत्तर प्रदेश नु कनेक्शन सामे आव्यु छे। 2 महीना थी उत्तर प्रदेश थी गुजरात में ड्रग्स ने हेराफेरी थती होवानु सामे आव्यु। पुलिस तपास में यूपी बहराइच खाते थी ड्रग्स माफिया सदम उर्फे रहीसे ड्रग्स नो जत्थो अमदावाद मोकल्यो होवानुं खुल्यु छे। ट्रावेल्स नी बस में ड्रग्स ने हेराफेरी करता ड्रग्स पेडलर रंगे हाथे झड़पाया छे। आ पकड़ायेल ड्रग्स पेडलर लखनऊ थी ड्रग्स नो मोटो जत्थो लईने बस में बेसी लखनऊ थी जयपुर गयो हतो। त्यां 4 कलाक रोकाया बाद जयपुर ना ड्रग्स माफिया ने ड्रग्स नो जत्थो सप्लाय कर्यो। आ ड्रग्स पेडलरे 10 किलो थी वधुनो जत्थो जयपुर आप्यो होवानी शक्यता एसओजीए व्यक्त करी छे। एसओजी क्राइमे ड्रग्स ना नेटवर्क ने लईने आरोपीओना रिमांड मेळवी यूपी नी तपास। भावनगर नी यूनिवर्सिटी खाते सांसद नी उपस्थिति में योजा रहेला कार्यक्रम में एनएसयूआई ना कार्यकर्ताओ विरोध नोंधाव्यो। महत्वनुं छे के महाराजा कृष्ण कुमार सिंहजी भावनगर यूनिवर्सिटी होटल एंड ऑडिटोरियम होल खाते कॉलेज में विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करनार ने सन्मान माटे सन्मान समारोह कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। એમાં ભાવનગરના સાંસદ ભારતીબેન શિયાળ તેમજ શહેર ભાજપ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો। કાર્યક્રમ દરમિયાન એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા 3-4 વર્ષથી બાહ્ય અભ્યાસક્રમમાં વિભાગ બંધ છે જે ચાલુ કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો।